टाइगर रिजर्व से निकले बाघ ने खेत में काम कर रहे एक किसान को अपना निवाला बनाने का प्रयास किया। आपको बता दें कि थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव सिमरिया निवासी 68 वर्षीय राम स्वरूप रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था, तभी टाइगर रिजर्व से निकलकर गन्ने के खेत में बैठे एक बाघ ने उस पर हमला बोल दिया। कुछ देर तक राम स्वरूप एक बंके के सहारे खुद को बाघ से बचाता रहा, लेकिन बाघ राम स्वरूप को अपना निवाला बनाने का प्रयास करता रहा। राम स्वरूप की चीख पुकार सुनकर उसका बेटा वीरेश सिंह उसको बचाने के लिए गया तो बाघ ने उस पर भी हमला बोल दिया। पिता पुत्र दिलेरे के साथ बाघ के सामने डटे रहे। आखिर हार कर बाघ फिर गन्ने के खेत में भाग गया। कुछ देर बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने घायल पिता पुत्र को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से सदर सैफी की रिपोर्ट। दोनों न्यूरिया अस्पताल से रिफर किए गए और इन दोनों का कहना है कि भाई की बाघ के द्वारा इनके ऊपर अटैक किया गया और दोनों के पैर में चोटें हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। ग्रामीण है, खेत में गए थे अपना, कोई एनिमल अटैक हुआ है, पैर में चोट लगी है, गंभीर अवस्था में नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल में इलाज के बाद यहाँ रेफर किया गया है, एक्सरे के लिए भेज दिया गया, अभी पता चलेगा कितनी चोट है। ये पिता और पुत्र के दोनों खेत में गए थे,